ध्यान से देखिए, मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट के ऊपर तिरंगा है, वो झुका हुआ है या उलझा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। झुका हुआ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी तिरंगा जब लगाते हैं हम, तो जिस डंडा में लगाते हैं उसके ऊपर होना चाहिए, अगर उसके नीचे आ जाता है तो उसको झुका हुआ तिरंगा कहते हैं, और उलझा हुआ भी है। हालांकि ये रेस्टोरेंट वाले तिरंगा प्रेमी होंगे तभी उन्होंने अपने रेस्टोरेंट पर तिरंगा लगाया। और ये गीता मंदिर चौराहा है, बड़ा चौराहा है अहमदाबाद का। अगर किसी भी चौराहे पे आप इस प्रकार का तिरंगा देखें, जैसे देखिए उधर बगल में एक दुकान है, वहाँ पे भी जो है वो तिरंगा जो है उलझा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये कहीं नहीं तो कहीं तिरंगा से प्रेम करने के चक्कर में तिरंगा का अपमान हो जाता है, तो इसे जो है हटा लेना चाहिए। और इस कंडीशन में तो तिरंगा होना भी नहीं चाहिए, तिरंगा गंदा नहीं होना चाहिए, तिरंगा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, तिरंगा गलत डंडे में नहीं होना चाहिए। तो क्या नाम हुआ आपका सर? क्या? आबिद अली। ये रेस्टोरेंट आपका है? हाँ। अच्छा, ये रेस्टोरेंट का क्या नाम है? रिलीफ रेस्टोरेंट। क्या? पंजाबी थाली, गुजराती थाली, राजस्थानी थाली सब। तो इस रेस्टोरेंट के ऊपर आपने एक तिरंगा लगाया है, तो तिरंगा का कंडीशन जो है वो सही नहीं है, उसे हटा लीजिए, इसलिए कि वो तिरंगे का अपमान हो जाता है। आप अगर तिरंगा से प्यार करते हैं तभी आपने अपने रेस्टोरेंट के ऊपर लगाया है। और मैं देश के लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी कोने में इस प्रकार का तिरंगा आप लोगों को दिखे या आप अपने घरों पे तिरंगा लगाते हैं, तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि तिरंगा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, तिरंगा गंदा नहीं होना चाहिए, तिरंगा जिस डंडे में लगा रहे हैं उस डंडे के ऊपर होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, और तिरंगा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो कितने देर में उतरवा ले रहे हैं? अभी हाँ उतार लीजिए और फिर नया तिरंगा इसके ऊपर लगा दीजिए, अच्छे डंडे में जो है लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चौराहा है और यहाँ से बहुत सारे लोग गुजरते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं हम। अगर ध्यान देते, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें ध्यान पे आ गया। और देखिए हर दिन जो है इस चौराहे से लाखों लोग गुजरते होंगे, लाखों लोग। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है देश के प्रति और देश के प्रतीक चिन्ह के प्रति जो है हमें मतलब हमारे दिल में जो है सम्मान होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो अभी ये लोग उतार लेंगे और उसके बाद से उम्मीद है कि जो है यहाँ पे जो है कंडीशन में जो तिरंगा होगा उसे लगा दिया जाएगा। बाकी इस तिरंगे के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तिरंगा को कैसे फहराया जा सकता है, कैसे घरों पे लगाया जाता है, उसका नियम क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।